हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो वेरी मच। सो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? एज यू ऑल नो दैट वी ऑल आर हैविंग लॉकडाउन इन इंडिया। आजकल हम इंडिया में लॉकडाउन है तो सब घर के अंदर ट्रैप है एक तरह से, और इस सब में सबसे ज्यादा जो सफर कर रहे हैं वो है हमारे किड्स। Our young generation who is suffering the most, they are not able to go to school, वो school नहीं जा पाते, ठीक है। It's been more than one year that they are not going to school, so it's very tough for them to stay at home. And right now वो सबसे ज्यादा suffer कर रहे हैं क्योंकि it's holidays also and they are not able to do any activity. Today I'm going to tell you few activities which you as a parent can do with your child. बहुत ही funful activities हैं जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हो बच्चों को engaged रखने के लिए, ताकि वो भी थोड़ा अच्छा better feel करे घर पर। So the first activity which you as a parent can do with your child is creating a letter train. आपको क्या करना है, एक simple train बनानी है on your floor, on the room floor, जिसमें आप लिखोगे different letters, alphabets like A, B, C, D. Now what the child has to do? The child has to explore a house to find the things which starts with the different letters. Suppose if you are talking with your child, you have to give a task to your child that you have to find a thing which starts with the letter A. बच्चे को A letter से कुछ ढूंढना है। बच्चा जाएगा and वो अपने house में से, जैसे A for apple, he or she has to grab the apple and keep that apple on that letter. ठीक है, इसी तरह से once one letter is done, दूसरा letter B, C, और आप इस तरह से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है जब A, B, C, D, आप jumble form में भी बच्चे को लेटर्स दे सकते हो ताकि वो अपने घर में से चीजों को एक्सप्लोर करे, थिंग्स को एक्सप्लोर करे, एंड देन ही और शी हैज टू फाइंड दैट थिंग्स एंड गिव इट बैक टू यू और कीप इट ऑन दैट पीस ऑफ पेपर। सो द सेकेंड एक्टिविटी विच यू कैन प्ले विद योर चाइल्ड इज स्कैवेंजर हंट। आई एम अ टीचर और मैं ये एक्टिविटी बहुत प्ले करती हूँ अपने स्कूल चिल्ड्रन के साथ। वट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, यू जस्ट सिंपली हैज टू गिव टास्क टू योर चाइल्ड, लाइक स्केवेंजर हंट में आपको बेसिकली करना क्या है कि अपने बच्चे को बोलना है कि योर मामा वॉन्ट्स अ थिंग विच इज रेड इन कलर। नाउ द चाइल्ड हैज टू फाइंड समथिंग विच इज रेड इन कलर। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी अ पीस ऑफ क्लोथ, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम द किचन और टोमेटो। इन दिस द चाइल्ड हैज टू थिंक। बच्चा अपने माइंड को यूज करेगा, क्रिएटिविटी यूज करेगा, अपने माइंड से सोचेगा कि रेड कलर में मेरे घर में क्या क्या है चीजें, एंड ही और शी हैज टू ग्रैब दैट थिंग एंड शो इट टू यू। सिमिलरली यू हैव टू गिव सो मेनी, यू कैन गिव सो मेनी थिंग्स टू योर चाइल्ड, लाइक योर मामा वॉन्ट समथिंग विच आई कैन स्मेल। अब बच्चे को सोचना है कि कौन सी चीज है जिसकी स्मेल आ सकती है, वो जाएगा एंड ही हैज टू फाइंड, he or she has to find that thing for you. It can be anything. वो खुद से स्मेल करेगा, इससे उसके senses strong होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के आप टास्क दे सकते हो बच्चे को। In this way you also will enjoy the activity and the child also going to enjoy this activity for sure. So the third activity which now I am going to tell is that messy art. Messy, नाम ही इसका messy है तो थोड़ी सी messiness तो होगी। तो what you have to do, what कोई भी आप एक बड़ा paper ले सकते हैं and keep it on the floor. ठीक है, अगर आपके पास घर में papers नहीं है due to lockdown, A4 size sheets नहीं है, what you have to do, you simply use the newspaper at your home. ठीक है, घर पे कोई भी न्यूज़पेपर आपके है, आपको उसको न्यूज़पेपर को फ्लोर पे पेस्ट करना है थ्रू द टेप, एंड व्हाट यू हैव टू टेल योर चाइल्ड, यू कैन पेंट। अब बच्चे को पता है कि इतनी मेरी स्पेस है जहां पे मम्मा ने मुझे न्यूज़पेपर कट करके पेस्ट करके दिया है। अब बच्चा इसके ऊपर कोई भी पेंटिंग कर सकता है। यू जस्ट गिव दैट पेंटिंग कलर्स टू योर चाइल्ड इन अ पैलेट और एनी वेयर इन अ प्लेट यू कैन गिव। ठीक है, व्हाट चाइल्ड हैज टू डू, चाइल्ड कैन डू अ हैंड प्रिंटिंग, फुट प्रिंटिंग, एनीथिंग।
वो कुछ भी पेंटिंग कर सकता है. ब्रश से पेंटिंग करनी है, यू कैन गिव द चाइल्ड ब्रशेस, बट यू जस्ट हैव टू सेट द रूल्स टू योर चाइल्ड कि इतना आपका एरिया है जहां पे मम्मा ने न्यूज़पेपर पेस्ट किया है, इस एरिया से बाहर कलर्स नहीं जाने चाहिए. नाउ फ्री हैंड पेंटिंग बच्चा करेगा, जो भी उसके माइंड में आ रहा है, इससे उसकी क्रिएटिविटी स्ट्रांग होगी और बच्चे का जो थिंकिंग डेवलपमेंट है वो भी बहुत अच्छे से होगी. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एक्टिविटी. द नेक्स्ट एक्टिविटी विच यू कैन प्ले विद योर चाइल्ड इज प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ पर्शिया. नाउ ये एक्टिविटी मैंने बहुत प्ले की है अपने स्टूडेंट्स के साथ, ये बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं. नाउ इसमें आप बन सकते हो प्रिंसेस ऑफ पर्शिया या आपका चाइल्ड बन सकता है प्रिंस और प्रिंसेस ऑफ पर्शिया. गिव चांस टू योर चाइल्ड ऑल्सो टू डू दिस एक्टिविटी, वो भी बहुत इंजॉय करेगा. नाउ वट यू हैव हाउ टू प्ले दिस एक्टिविटी, आपको जस्ट इसमें भी टास्क असाइन करने हैं. लाइक इफ यू आर अ प्रिंसेस ऑफ पर्शिया, लाइक आई एम प्रिंसेस ऑफ पर्शिया, सो वट आई एम गोना से, आई एम द प्रिंसेस ऑफ पर्शिया एंड आई वॉन्ट एन एप्पल. सो द चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रैब दैट एप्पल एंड गिव इट टू यू. आई एम प्रिंसेस ऑफ पर्शिया एंड आई वॉन्ट समथिंग इन स्क्वायर शेप. तो बच्चा अब स्क्वायर शेप में चीजें ढूंढेगा और वो आपके पास लेके आएगा. सिमिलरली वंस यू आर डन, गिव चांस टू योर चाइल्ड ऑल्सो टू प्ले द सेम. अब चाइल्ड बोलेगा प्रिंसेस ऑफ पर्शिया और प्रिंस ऑफ पर्शिया वॉन्ट दिस फ्रॉम यू, देन यू हैव टू ग्रैब द थिंग्स एंड शो इट टू योर चाइल्ड. इस एक्टिविटी से आप दोनों बहुत इंजॉय करोगे और चाइल्ड भी बहुत एंगेज रहेगा. नेक्स्ट थिंग विच यू कैन गिव योर चाइल्ड इज कुकिंग लेसन्स. सो एवरी वन एट होम डू कुकिंग, मदर्स स्पेशली डू कुकिंग एट होम. सो वट यू कैन डू, यू कैन डू कुकिंग विद योर चाइल्ड. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट गिव अ बिग कुकिंग असाइनमेंट टू योर चाइल्ड, नो. यू जस्ट हैव टू बी वेरी सिंपल, लाइक मेकिंग ऑफ सैंडविचेस, टोस्ट, ओटमील, कॉर्नफ्लेक्स. सो दीज आर द थिंग्स विच चाइल्ड विल लर्न. Slowly and gradually, he or she will take interest in kitchen also. You can cut the slices of cucumber, onion, and you can simply give the directions to your child that now take the bread, take cucumber, take onion, take tomatoes, and now you can spread the sauces, whatever you want it. If you want टोमेटो सॉस यू कैन स्प्रेड द सॉस. तो इस तरह से बच्चा बहुत इंजॉय करेगा कुकिंग को एंड वट एवर वो कुक कर रहा है उसके बाद वो ईट भी करेगा क्योंकि उसको पता है ये मैंने बनाया है एंड ही और शी इज गोइंग टू लाइक दैट अ लॉट. नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू विद योर चाइल्ड इज प्रैक्टिस योगा रेगुलरली. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेन देयर इज पेंडेमिक इन दिस कंट्री और इन दिस होल वर्ल्ड, आई एम डू योगा रेगुलरली विद योर चाइल्ड. आई एम नॉट सेइंग इट दैट यू हैव टू डू इट इन द मॉर्निंग ऑनली. जरूरी नहीं आपको रोज सुबह उठ के करना है, आप बच्चे के साथ इवनिंग में हैबिट बनाएं ताकि बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व रहे, वो भी इंजॉय करे दैट माई मामा इज डूइंग और माई फादर इज डूइंग दिस थिंग, सो आई हैव टू डू दिस थिंग ऑल्सो. एंगेज योर चाइल्ड इन द एक्टिविटीज विच यू ऑल्सो आर डूइंग. डोंट लेट योर चाइल्ड डोंट कीप योर चाइल्ड सेपरेट फ्रॉम योर सेल्फ. बच्चे को अपने साथ एंगेज रखो कोई ना कोई एक्टिविटीज के अंदर, बच्चा जरूर इंजॉय करेगा. आप बच्चे के साथ डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, कोई भी सिंपल एक्टिविटीज आप यूट्यूब पे सर्च करो, सो मेनी योगा आसन्स आर देयर फॉर किड्स. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट विद योर चाइल्ड एंड चाइल्ड विल श्योरली एंजॉय दैट विद यू. Next thing which you can do with your child is board games. Every house has the board games. घर में सबके पास board games होती है. Teach your child how to play the board games. Or you can play the puzzles with your child. But don't do this thing कि बच्चा खुद से play कर रहा है और आप अपने काम में लगे हो. The child will never enjoy that activity because बच्चे का ध्यान आप पर होगा कि आप क्या कर रहे हो, मम्मा कहाँ पर है, मम्मा क्या
ट्राई टू एंगेज योर चाइल्ड विथ योर सेल्फ. अगर बच्चा पजल्स कर रहा है, अगर बच्चा कोई भी एक्टिविटी इंजॉय कर रहा है, तो आप भी उसके साथ बैठकर इंजॉय करें. आप घर के कामों में प्लीज मत लगे, या घर पे अपने आप को बिजी मत करें, या बच्चे को पजल्स और बोर्ड गेम्स इसलिए ना दें ताकि वो आपको तंग ना करें. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. Everyone needs a partner to do some things. So a child also needs a partner to do some activities. So engage your child with yourself. आप बच्चे के साथ बच्चा बने तो बच्चा आपके साथ बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से आपकी बात मानेगा. Next thing which you can do with your child is choreograph a dance. Dance is a very, very effective thing to keep your child happy at this point of time. The children will surely enjoy the dance activity. You can play a loud music in your room or anywhere. ठीक है, और बच्चे के साथ आप फ्री डांस करो, बच्चे के राइम्स के ऊपर डांस करो. सो मेनी राइम्स आर देयर आउट इन ऑन YouTube. यू कैन डांस विद योर चाइल्ड. द चाइल्ड इज गोइंग टू लव दैट. सीरियसली आई मीन इट. बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं डांस को. आप उनके साथ डांस करो, थोड़ा आप भी इंजॉय करो, बच्चे बनो थोड़ा, तो चाइल्ड विल श्योरली हैव एन अमेजिंग टाइम विद यू. रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव लिस्ट एट योर होम. यू कैन प्लेस इट ऑन द फ्रिज और इन योर रूम, एनी वे. ठीक है, बच्चे को आपको बताना है दिस इज योर रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव लिस्ट. ठीक है, इफ यू आर गोइंग टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, और अगर आप मम्मा की हेल्प कराओगे घर में, सो दैट ही और शी विल बी रिस्पॉन्सिबल. हेल्प का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कोई भी काम दे देना. बच्चे को आप बेसिक हैबिट सिखाएं टू कीप द कबर्ड क्लीन. किस तरह से अपने कबर्ड्स में क्लोथ्स को फोल्ड करके रखना है, किस तरह से बच्चे को, अगर बच्चा ईट कर रहा है तो किस तरह से उसको अपनी प्लेट और अपने आसपास को क्लीन रखना है. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू सेट द रूल्स. अगर आप बच्चे को बताओगे कि दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर आपको रिवॉर्ड और इंसेंटिव मिलेगा इस लिस्ट पर, और जैसे इस रिवॉर्ड और इंसेंटिव मिलेगा, आई एम गोइंग टू गिव यू अ सरप्राइज. नेक्स्ट थिंग विच यू कैन डू विद योर चाइल्ड इज रीड अ स्टोरी. Means have a story habit every day. Every day read at least 1 to 2 pages to your child which has a moral. So there are so many books out there on Amazon or on any platform, you can Google it. So many story books are there. Make a habit of reading a story to your child. Hope this video will help you in some way. If you feel that this video is knowledgeable और आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो, तो डू लाइक एंड शेयर विथ अदर्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ एनी टॉपिक ऑन विच यू वॉन्ट टू सी द वीडियो. यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल श्योरली ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक. टिल देन बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वन. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय एवरीवन.